नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। जिस प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे उसकी पहले बात कर लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5 से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55.50 रुपए की हानि होती है, तो मूलधन कितना है। ठीक है, उसने हमसे मूलधन पूछा है कि पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 11.5, फिर कितना हो गया 10%, समय कितना है एक वर्ष, मूलधन हमें पता नहीं है। तो इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा समय गुणा दर। ठीक है, तो पहले तो इतना रुपया उसको मिल रहा था, फिर क्या हुआ, रेट कम हो गया, तो इतना मिलेगा। दोनों का अंतर जब उसने निकाला तो कितना निकला, 55.50 रुपए। एक साल में इतने ही की हानि होती है। आप इसको सॉल्व कर देंगे, 100 आ जाएगा एलसीएम, यहाँ 11.5p माइनस 10p बराबर 55.50। ठीक है, 11.5 में से 10 जाएंगे तो 1.5p बचेगा, और यह 100 उस तरफ चला जाएगा, जब गुणा हो जाएगा तो 55.50 बचेगा। p बराबर क्या होगा, 55.50 भागे 1.5, 1.5 हटाएंगे तो 10 और बढ़ जाएगा। अब 15 से डिवाइड करके देखते हैं, 15 × 3 = 45 बचेगा 10, और 15 × 7 = 105, तो p बराबर क्या निकल के आया, यानी प्रिंसिपल कितना है, 3700 रुपये। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, एक बड़े ही मजेदार तरीके से इसको आपने सॉल्व किया। अब एक शॉर्ट ट्रैक भी इसके लिए होती है, शॉर्ट ट्रैक क्या होती है वो भी देख लीजिए। अगर आपको मूलधन निकालना हो, ठीक है, मूलधन अगर आपको निकालना हो तो कैसे आप निकालेंगे, ऐसे प्रश्नों में जो भी कमी या बड़ी आई है, यानी जो भी घटा है या बड़ा है, जितना अंतर आ रहा है वो हम ऊपर लिखेंगे, गुणा कितना क्या करेंगे 100 का। अब टाइम कितना था, एक वर्ष, तो नीचे टाइम लिखेंगे और गुणा किसका करेंगे, जो भी ब्याज दर में अंतर आया हो, 11.5 में से 10 जाएंगे तो 1.5 बचेगा। ठीक है, बस इसको आपको सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी उसको हानि या लाभ हुआ हो वो ऊपर रखना है, गुणा 100 का कर देना है, भागे में समय का गुणा कर देना है, और रेट में जो परिवर्तन हुआ हो उसका भी हमें भाग दे देना है, मूलधन हमें मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 तो कट जाएगा और 10 खा जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, 555 के साथ 20 बचेंगे और नीचे 15 बचेगा, काट देंगे, 15 × 3 = 45, 15 × 7 = 105, 3700 बचेगा। तो यह इस तरीके से भी आप इसको लगा सकते हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है कि जो भी उसको लाभ या हानि हुई हो ऊपर रख दे, गुणा 100 का कर दे, भागे समय, और जो भी दर में चेंज हुआ हो उसका अंतर या जोड़ जो भी आए आपका वह रख देना है, आपका आंसर मिल जाएगा। या आप इस तरीके से भी इसको लगा सकते हैं। अब ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।